हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जब मैं काम करती हूँ तो एलिस मेरे को बोलता है ना कि मैं पढ़ाई नहीं कराती हूँ। और देखिए, मैं ये चावल बीन रही थी, मतलब बनाने के लिए, क्योंकि इसको कभी भी इसको दाल चावल चाहिए खाने के लिए, तो मैं इसके लिए दाल में रखी हूँ। मेरा कुकर की आवाज़ आप लोग तक जा रही होगी, दाल मेरा पक रहा है। मैं सोची कि चावल बीनते बीनते इसको मैं पढ़ा दूँ। तो ये बोला ना, तुम छोड़ो इसको, देखिए ये बोला छोड़ो ना। और देखिए इसका पैर देख लीजिए आप लोग, बोला ना कि तुम, हम बोले ऐसे, मतलब हम ऐसे चावल को मतलब इसमें से ऐसे ऐसे निकाल रहे थे और इसे पूछ रहे थे। नहीं, हमारा साफ हो गया चावल। तो ये बोला ना कि तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हो, ऐसे कैसे पूछ ले रही हो। तो मैं बोली कि ठीक है, चलो मैं पूछती हूँ तुमसे। तो मैं चावल वावल छोड़ने के बाद मैं इसे पूछी हूँ, बोला कि तुम इंग्लिश बोलना तो मैं हिंदी बोलूंगा और हिंदी बोलना तो मैं इंग्लिश बोलूंगा। मैं बोली ठीक है। और लास्ट में आप लोग वीडियो देखिए, तो दोस्तों मेरे दांत में यहाँ पे ना दर्द हो रहा था 2-3 दिन पहले, मेरा दांत अब जम रहा है और एलेक्स का भी जम रहा है, तुम्हारा भी जम रहा है ना जी? हाँ, तो दोनों का। हाँ, मेरा भी यहाँ का दांत जम रहा है और एलेक्स का भी जम रहा है, दोनों इधर का। तो वो एलेक्स बोला कि मम्मी तुम सोते समय दांत को ना तकिए के नीचे रख देना, तो तुम्हारे को क्या देगी परी? कौन सी परी आएगी? दूध परी। अब ये कहाँ देखे थे दूध परी को तुम? पेपा पिग में। तो इसको इतना याद था, इसको ये नहीं पता कि मेरा दांत जम रहा है, इसको लग रहा है मेरा दांत टूट रहा है। तो इसके बाद जमता है, मुझे पता है टूट के जमता है, इनको पता है। तो इन्होंने बोला है कि मम्मी तुम्हारा जब दांत टूट जाएगा तो तुम तकिए के नीचे रख देना। और ये दो स्टिकर लगा देना। देखिए स्टिकर भी लग जा रहा है इधर। मैं इस लड़के से तंग आ गई हूँ क्योंकि ये लड़का बहुत शरारत कर रहा है। और कीड़े रखेंगे बाल में। नहीं रखना दोस्तों, मेरे दांत में ना इधर दर्द हो रहा था ना, तो इधर मतलब कि इतनी स्वेलिंग आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था। अब सही हो गया है, अब नहीं है। और मेरे को पता नहीं था कि इसके वजह से मतलब इधर हो रहा है। मैंने पट्टी भी एक दिन लगाया था, आप लोग वीडियो में कभी देखे होंगे। मेरे को पता नहीं था, मैं कई लोगों से बात की, फिर पूछी तो लोग बोली कि जब दांत निकलता है ना तो कभी कभी किसी को फीवर भी आ जाता है या फिर इधर मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर मेरे को समझ में आया, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, पट्टी भी एक ही दिन में निकाल दी थी मैं। और अभी तो मतलब हल्का फुल्का दर्द है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैंने एलेक्स को देखा कि मेरे एलेक्स का जम रहा है कि नहीं दांत। तो मैंने देखा तो एलेक्स के दो मसूड़े इधर के इतने से फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। बस मेरा कुछ बड़ेगा ना तो हम नहीं होंगे। और दोस्तों ये लोग, इनका बाल देखिए आप लोग, मैं इनका बाल अभी देखिए मैं कटवाने ले गई थी हाल ही में ना, और ये देखिए क्या किया है। एक दिन सीसा और कैंची उठाया और अपने से ही ये बाल काट लिया है। यहाँ का दिख नहीं रहा ना, ऐसे करो, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो स्कूल अभी टोपी लगा के भेजना पड़ता है इनको। और नहीं करो, दाल चावल जल्दी से मैं बना दूंगी तो ये सो भी जाएंगे। शाम के भी 6:30 बज रहे हैं और मेरी तबीयत थोड़ी 2 दिन से ठीक नहीं थी, सर्दी बुखार सब हो गया था। तो मैं सोची कि आप लोगों को बता दूं इनकी हरकतें, कुछ आप लोगों को पता होनी चाहिए बीच बीच में ना। हाँ, तभी तो दोस्त लोग इंटरटेनमेंट करेंगे ना। हाँ, ना ये नहीं पता चले 20 नहीं। तुम उधर बैठो, पहले उधर बैठो। हम अपने आप को देख रहे हैं पहले। तुम चावल क्यों चबा रहे हो? चबा लिया। क्यों? खत्म। हम जैसे चावल खा लेंगे तो ढेरे पेट फूलेगा ना, तब कितना खाए। तुम कीड़ा वाला चावल खाई हो कभी? नहीं, हम राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है। और आप? मैं नहीं हूँ। तो चावल क्यों चबा रहे हैं? ये पढ़ाई हो रहा है, नहीं? चलो, मैं तुमको 1 से लेकर 100 तक सुनाता हूँ। लेट के कोई पढ़ता है? नहीं। हाँ,
तुम बोलते हो कि मम्मी नहीं पढ़ाती है, और मम्मी जब पढ़ाती है तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो। अभी बोल रहे थे कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि चावल धो के, और चावल तुम बीन रही हो, मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हो। बोले हो ना, तुम बोले हो ना कि तुम चावल बीन रही हो, मेरा ध्यान नहीं दे रही हो। तो मैं चावल देखो छोड़ दी, मैं कपड़े भी मैं नहीं रखी, देखो सब ऐसे ही पड़े हैं। देखो मैं सोची कि मैं तुमको पढ़ा दूँ, सोची कि साथ में दोस्त लोगों को भी दिखा दूँ, ताकि तुमको सब लोग जाने कि तुम पढ़ाई के समय कितना नौटंकी करते हो। क्या बोले हो? बैगन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम बताओ? ब्रिंजल। हाँ। ब्रिंजल हम लोग के घर घर के बगल में टंकी नीचे ना हम लोग का वो हुआ है। अच्छा ठीक है, और ब्रिंजल के अलावा कौन सी सब्जी है घर पे, जल्दी बताओ। अब पहले तो चावल खाना बंद करो, तो पीट देंगे भैया। पहले अच्छे से बैठो, पलथी मार के बैठो, पूरा ऐसे करके चावल ऐसे करके रख दिए हैं। अच्छे से बैठो, ऐसे क्यों मुड़ी की हो, अच्छे से बैठो। हाँ चलो बोलो, और बीटर गॉड को क्या बोलते हैं? बीटर गॉड को हाँ करेला। लेडीज फिंगर को क्या बोलते हैं? भिंडी। टोमेटो को क्या बोलते हैं? टमाटर। और जिंजर को क्या बोलते हैं? जिंजर को अदरक। हाँ अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर। हाँ और आगे बोलो, गार्लिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम चावल क्यों खा रहे हैं? एक चावल लिया है। अब दोबारा मत खाना, पीट देंगे। लहसुन। ओनियन को क्या बोलते हैं? ओनियन को प्याज। और कोरिएंडर को क्या बोलते हैं? धनिया। कैबेज। पत्ता गोभी। कॉलीफ्लावर। फूल गोभी। पी नहीं पता, जल्दी सोच के बताओ, पी माने क्या होता है? जल्दी बताओ। पी है मारेंगे प्राग से अलग। मटर को नहीं बोलते हैं पी? मटर को पी। हाँ मटर पी। और बताओ क्या बताओ हिंदी में, तभी तो इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छा तुमको देख रहे हैं। तो दोस्तों इनकी शरारतें आप लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि जिस चीजों का मैं मतलब जिस चीजों को मैं एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी करिए तो मजा आएगा ना बेटा। हाँ मजा आने के बाद ना सब कोई आके मजा कर लेंगे, घर पे एंजॉय करके आ जाएगा। तो बहुत बहुत बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय। नमस्ते कर दो ऐसे हाथ जोड़ के, और आप लोग इनकी पढ़ाई देख ही चुके होंगे कि इनकी पढ़ाई कैसी होती है। ऐसे एक चीज पूछेंगे तो याद नहीं है, तो ये नहीं है, स्कूल में कभी कभी मार खा जाता है, इसको पता होता है लेकिन बोलता नहीं है। और हम एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं दोस्तों, इनकी मैम इनको इतना लाड प्यार करती हैं इनको, कि इनको एलेक्स या फिर बिहर्स, एलेक्स तो जानती हैं इनका नाम, मतलब बिहर्स कम बुलाती हैं, एलेक्स ज्यादा मैम लोग बोलती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, सर बोलती है मैम लोग, सर इधर आइए इधर बैठिए बोलती है मैम लोग जी। आगे निकल गए थे मैम। हाँ कौन सी मैम तुमको सर बोली थी? कौन सी मैम? वो लोग भी बोलती है कि आपका लड़का बहुत बात करता है। बोले कि आप लोग इसको संभालिए मैम, हमारा तो जो फर्ज बनता है, जो काम होता है, मैं तो घर पे करती हूँ, और बाकी का दो हमें रखना, दो ही रखना है इसको ना घर में। तो बाद है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, नए वीडियो आने, और हम लोग मिलेंगे रक्षाबंधन। क्योंकि देखिए दोस्तों मेरा कुकर छूटी गया है, मेरे को जाना पड़ेगा गलियारे में, क्योंकि मेरा खाना गलियारे में ही चलता है, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। जाओ तो मेरी दाल जो है वो जल जाएगी, फिर अलग से मेरा खाना नहीं खा पाएगा, फिर मैं खाऊंगा। हाँ टेरेस में जाऊँ, मैं डोसे की बारे में बता दूँ, इनको डोसा बहुत पसंद है, और मेरे को बनाने नहीं आता है डोसा। और सांभर तो बना लेते हैं, और बादाम की चटनी वो भी बना लेते हैं, और इडली भी बना लेते हैं,
बस मेरे को डोसा बनाने नहीं आता है क्या? मैं कभी बना ही नहीं, खा तो लेती हूँ मार्केट से, लेकिन बना मुझे बनाने आता है। मुझे बड़ा अंधेरे आता दो और फिर चको लाइन का काट लो, फिर पेपर डोसा बनाओ, फिर ऐसे काट लो, फिर ऐसे काट लो, फिर ऐसे कर लो, फिर तुमको मन मन कढ़ाई में रख दो, फिर बनाओ, फिर तुमको बनाने आ जाएगा धीरे धीरे, फिर तुम ना फिर तुम बनाने के लिए सीख जाओगी, और तुम्हारे घर कोई भी आएगा और तुम उसको डोसा खिलाओगी ना, उसके मुंह से पानी भी टपक जाएगा। हाँ सच्ची बोल रहा है, सच्ची बनाने आ जाएगा। मेरे को सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे, मुझे आता है। अच्छा, तीन बार दो बार चार बार हम उसके यहाँ गए हैं। किसके यहाँ? उसके यहाँ किस जी डोसा खाने के लिए, वहाँ वहीं पे गए हैं और डोसा खाए हैं और बादाम चटनी खाए हैं। तो बनाना कब सीख गए थे? बनाने सोचा सोचा कि मम्मी को नहीं आता होगा तो बता के बनवा दूंगा। तो इसलिए सीख लिए थे वहाँ पे। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए, हमारा लड़का बताएगा आप लोगों को क्या लगता है। नाम 5 साल के तब भी हम जानते हैं, कोई लड़का उसको आता ही नहीं है तब नाम को मैं सिखाया। 5 साल के लड़के को नहीं आता है, पर मेरे लड़के को तो आता है, आप लोग समझ लीजिए कि मेरा लड़का कितना इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। और चाकू भी बना लेता है, परफ्यूम भी बना लेता है, दूसरे अभी मम्मी का भी शक्ल बना लेता है पेंसिल से। हाँ सच में लड़का मेरा पेंसिल से मम्मी पापा बुआ को दादी के दिन बनाया था पेपर पे। एलेक्स मैं सब चीज में एक्सपर्ट है, समझ लीजिए आप लोग। और पढ़ने में भी या बोलने में भी। हाँ अपनी तारीफ अपने से करने में भी तेज है मेरा बच्चा। डरने में बहुत तेज है। डरने में तेज है? नहीं दौड़ने में। अच्छा दौड़ने में तेज है आप। और पानी में भी दौड़ने में तेज हूँ। हाँ किसको किसको हराया है अभी तक? अभी तक मैंने हराया है 3, 4, 8 बच्चों को। अच्छा ठीक है, दोस्तों को बात कर दो, बहुत समय हो गया है। दोस्तों हमें आज रील बनानी है क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं रील बनाऊँ। दो दिन हो गए दाल पर ले ली, जल जाएगी और हम जाएंगे हमारे हैं तुम ले जाओ। हेलो हेलो दोस्तों, गुड बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग को नमस्ते। और पानी में तैर जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं कीड़ों मकोड़ों को जानता हूँ। अच्छा पानी में कौन कौन सी मछली रहती है पहले ये बताओ। व्हेल रहती है। हाँ। और शार्क रहती है, डॉल्फिन रहती है, फिश रहती है। और पानी का जीव कौन होता है? फ्रॉग होता है पानी का जीव। और बेटा फिश को तो मछली बोलते हैं, तो फिश थोड़ी ना, स्टार फिश बोलते हैं ना। स्टार फिश बताऊं मैं, जो ऊपर वो जो स्पाइडर होते हैं जो नीचे चलते हैं। सारा ज्ञान आज ही दे देगा आप लोगों को आज। और स्पाइडर मैंने अभी तुरंत देखी है, स्पाइडर वो खाना खाने तो आता नहीं है, सारा ज्ञान दे रहे हैं हमें। हटो हटो जा रहे हैं। बाय बाय दोस्तों, मुझे मेरा कहीं सीधी लग गया, दाल में जा रही हूँ।